प्यारी सास सुंदर जी बड़े प्यार से बोलिए, आज काफी समय बाद इस रूप में आप जी के दर्शन करने का मौका मिले है, और सत्संगत मौसम भी सत्संगत बहुत सुहावना आया, समा सुहावना संतों मिलाप का, कलयुग की धरती उत्ते सतयुग है जापदा। सत्संगत ये जो रूहां परमात्मा के मिलन का सत्संगत एक सुनहरी मौका निरंकार ने दिता है इंसानी जामा। सत्संगत जदों 2000 सन चढ़िया तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी विराजमान सन, और सत्संगत उस वक्त बाबा जी ने विचार दे विच किया, और 2000 सदी में सत्संगत मिलेनियम कहते हैं मिलेनियम, और बाबा जी ने मतलब दसिया कि मिलेनियम यानी कि मिलने का निजम, सत्संगत मिलन का निजम संतां महात्मा निरंकार के नाल सत्संगत सतगुरु ने जोड़िया है, आत्मा का नाता इस परमात्मा नाल जोड़िया है, और सत्संगत हुण आप जी इस निरंकार को देख देख के दा एहसास करके सत्संगत सिमरन कर रहे हो, हर शह दे विच सत्संगत इस निरंकार का दीदार कर रहे हो, और बड़े सत्संगत आनंदित अवस्था दे विच आप जी रह रहे हो। सत्संगत की अवस्था मनमुख या दुनियावी जीवन की नहीं है, ये केवल गुरमुखों की ही ऐसी अवस्था बनती। सत्संगत दास तो पहला भी काफ़ी महापुरुष इत जो भी सत्संगत बोल के गए हैं, सारिया ने सत्संगत एक परमात्मा की गल की है, एक निरंकार के नाल जुड़न की गल की है। इस बारी भी सत्संगत असी समागम से सतगुरु के आशीर्वाद लैके आए हाँ, भरपूर सतगुरु के सत्संगत आशीर्वादों असी झोलियां भरिया हैं, और इस बारी भी जो साढ़े सामने थीम रखा गया कि निरंकार आधार बनाइए जीवन गुरमत अनुसार बनाए। सत्संगत सानू पैगाम दिता गया है कि असी अपने जीवन में गुरमत के अनुसार बनाना है, जो गुरमत मुख का जीवन होता है, और गुरमुख सत्संगत सतगुरु के दसे हुए मार्ग पर चलता है तो बड़ा सुखला होता है, बड़ा सोहने ढंग का जीवन गुजारता है, और जब सत्संगत मनमत आ जाती है उत्थे ही परेशानियां खड़िया हो जाती हैं, उत्थे सत्संगत कई तरह के दुख कई तरह दी मुसीबतों का फिर सामना करना पड़ता है। इतने भी सत्संगत सानू शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी सचेत कर रहे हैं कि साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। साधु सत्संगत गुरु को क्या है, सतगुरु तो साधु तो भाव ही सतगुरु है, जो सतगुरु का बोल आता है सत्संगत उसनों सुनना है। सुनना किने है, सत्संगत के मन ने सुनना है, आत्मा ने सुनना है, ये शरीर ने नहीं सुनना है। हमने सत्संगत पापा सलवंत सिंह जी कह रहे सन कि असी अपने मन की एकाग्रता बना के बैठना है, महापुरशों के एक बचन को बड़े ध्यान न सुनना है। वो भाव सत्संगत यह है कि क्योंकि सुनना शरीर ने नहीं है, सुनना सत्संगत मन ने है, अगर मन संगत में होएगा तो सत्संगत है सुन पाएगा, अगर मन सत्संगत बाहर मुखी होएगा तो फिर सत्संगत प्रातन भगतों दिया वाणिया भी असं सरवण करते आ रहे हाँ कि करमे माला तिरे जीभ फिरे मुख माहे मनवा तो दह जिस फिरे ये तो सिमरन ना ही। यह सिमरन नहीं है, भगती नहीं है कि अगर मन जड़ा है वह बाहर घूम रहा है, शरीर करके इतने बैठे हाँ तो सत्संगत सानू कोई भी असर नहीं होएगा। इतने सुनाने की गल की है कि अपने मन में सुनाना है, मन ने ही सुनना है, और ता ही सत्संगत मन जड़ा बाहर मुखी माया नाल जुड़िया है, दुनियावी पदार्थों नाल जुड़ के परेशान होया हो रहा है, यह सत्संगत तेरा आनंदित अवस्था चाहेगा। अगर ये सत्संगत चेते विच गुरु का बचन बैठ जाएगा, साधु का जो साधु सतगुरु नूं क्या है, सतगुरु का जड़ा बोल है बचन है ये सत्संगत सुनना है, मन करके सुनना है, अगर सुनिया जाएगा तो ही सत्संगत उसनों मनिया जाएगा।
कई बार अक्सर ही होंगे है सात संगत कि जो कोई पूछता है भाई साहब तुम संगत तो की सुन के आए हो वो महापुरुष ने फलान जोड़ा महापुरुष बोल रहा थी बड़े सुंदर भाव उन्हें रखे हैं सत्संग तो अगला की कहता है कहता मैं तो सुनेगी की क्या सी मैंने भी दस्यो भाव की है सत्संग उस वक्त मन जोड़ा है वो हाजिर नहीं सीगा मन जोड़ा सत्संग उस वक्त उसने चेतनता नहीं रखिया सुनिया नहीं है ता करके उस गल का पता नहीं लगा है तो सत्संग महात्मा सू बार बार सुचेत कर रहे हैं ताड़ना कर रहे हैं चेतना प्रदान कर रहे हैं कि साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोए फिर पाछे पाओ ना कीजिए आगे होए सो होए जो संगत में आ जाने हाँ जब गुरमत की श्रेणी में असी सत्संग चल पैने हाँ जब संगत में आने हाँ नाल कहते कि कोई ख्वाहिश लैके ना आईए कोई तमन्ना लैके ना आईए कोई तन का माण लैके ना आईए कोई मन का माण ना लैके आईए कोई सिखाण के भाव लैके ना आईए साथ ना लीजे कोई और फिर जब गुरमुख की श्रेणी में आ जाते हाँ फिर सत्संग कहते पाछे पाओ ना कीजिए आगे होए सो होए फिर इस मार्ग से निडर होकर अगे चलते जाना है अगे चलते जाना है क्योंकि अगे सत्संग साडे लिए सतगुरु बहुत सुखों के भंडार लैके बैठा है बहुत सत्संग अगे सानू सुख मिलने वाले हैं लेकिन यह सुख सत्संग जिन्हों की आनंदत अवस्था बन जाती है जिहड़े सत्संग केवल सतगुरु को सतगुरु को मंगते हैं जिहड़े सतगुरु दीआं दित्तीआं होईआं दातां दा शुकराना करते हैं कि दाता तेरा शुक्र है तू सानू यह दातां दित्तीआं हन किहड़ीआं किहड़ीआं दातां दित्तीआं हन अगली लाइन च की कह रहे हैं जी पाओ ते चल कर संगताना कर से सेव कमाना है सत्संग ते जिहड़े सानू सुंदर पैर दित्ते हैं और ये पैरां दे नाल चल के सत्संग असीं कित भी जाना हो कि आसानी नाल जा रहे हाँ सत्संग जा सकते हाँ जा रहे हाँ इन्हों का कि सत्संग असं उपयोग कर रहे हाँ तो कह रहे हैं सत्संग सतगुरु दी दाता हैं इन पैरों में जोड़े सत्संग संगत वाल सू लैके आते हैं वो पूजण योग हैं वो सत्संग बहुत ही सलाम योग हैं तो सत्संग गुरमुख का भी एक काम है कि साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है सुनना सत्संगत इन कन्ना के नाल मन को सुनना है तो सुनाना सत्संगत बोल के जुबान दे नाल नहीं है अपने कर्म दे नाल सुनाना है संसार में असी सारे गुरसिख हाँ और सतगुरु ने सानू सिखाया की है सतगुरु ने सिखाया है मिठा बोलो ते निव चलो मिठा बोलना है नीवे होके चलना सतगुर ही सिखाता है हर दम सोचो भला हर एक का सतगुर ही पढ़ाता है सतगुरु की पढ़ाई ही सत्संग के सब का भला करना है मिठा बोलना है नीवे होके चलना है जे तो सत्संग तब्दीली साढ़े जीवन में आ रही है तो सत्संग साढ़े तो सतगुरु की अपार कृपा है बख्शिश है जिथे भी गुरमुख रहा है सत्संग फिर वो आंढ गुआढ़ भी जय जयकार होंगी है वो उस्तत होंगी है वड्याई होंगी है कि जोड़े महापुरशों संगत से जाते हैं कदे किसी ना उच्चा बोलते नहीं देखे ये कदे गाली गलोच नहीं करते हैं इन्हों के सुभाव के बड़ा मिठास है सत्संग तो कह रहे हैं तो वड्याई कि हो रही है वड्याई सतगुरु की हो रही है क्योंकि ऐसा जीवन सानू सतगुरु ने सिखाया है राम राम त्या करता समय राम मिलाया मुरशद ने खाना पीना उठना बहना सब सिखाया मुरशद ने सिखाया है जिसन पी के अमर हो गया जाम पिलाया मुरशद ने रुलदा सा दुनिया के पैरी आन उठाया मुरशद ने एहसान जो किते पूरे सतगुर बदला नहीं चुका सकता कहे अवतार गुरु का करजा जन्म जन्म नहीं ला सकता सत्संग ते सतगुरु ने सानू जो सिखलाई दिती है जिहड़ा गुरसिख सत्संग तो उसनू अमली जामा पहनांदा है फिर सत्संग तो उहदी ते वड्याई हुंदी है ते सत्संग ते नाल संगत दा नाम उच्चा हुंदा है गुरु का सत्संग तो प्रचार का माध्यम बनता है साधन बनता है कि संगत नाल जुड़िया है
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਣ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਤਸੰਗਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਜੂਏ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ। ਚੰਦਨ ਕੇ ਸੰਗ ਧਰਵਰ ਉਗਰਿਓ, ਸੋ ਧਰਵਰ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਬਿਗਰਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪੌਦਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੂਟਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਪੌਦਾ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਦਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਨਸਪਤੀ ਉਹਦੇ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਬਾਂਸਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਿਸੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਗ ਵੀ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਂਸਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਾਂਸ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਮਨ ਮਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਸੰਗਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਣ ਤਿਆਗੋ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਣ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਂ ਤੇ ਅਹਿਨਸ ਭਾਗੋ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਨੋ, ਅਵਰ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਜਗ ਤੱਤ ਪਛਾਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿਨਹੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਠਿਨ ਇਸ ਔਖੇ ਘਾਟੀ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗਤ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੱਠੇ ਪੈਰ ਸਤਸੰਗ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਭਜੋ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਨਾਨਕ ਦੁਰਮਤ ਛੁੱਟ ਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਤ। ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗ, ਇਸਦੀ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪਾਉ ਸੇ ਚੱਲ ਕਰ ਸੰਗਤ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦਮ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ, ਰਸਨਾ ਸੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਗਾਣਾ, ਆਸ ਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਸੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤ ਗਾਣਾ, ਇਸ ਰਸਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਯਸ਼ੋਗਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਸੰਗਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੂੰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੇ ਆਇਆ, ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੇ ਆਇਆ,
जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न बसाया गुर प्रसादी हर मन बसिया पूर्व लिखिया पाया कौ नानक ए शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चितलाया जिन्हें अपना मन का नाता अपनी कादर का गुरु न जोड़ी तो कहते वह संसार से आया परवान है। और सासंगत एक एक जड़े साढ़े अंग हैं इनकी विशेषता दर्शाई गई है इस शब्द के सानू समझाया गया है कि पाँव से चल कर संगत आना कर से सेव कमाना है ये जड़े पैर मिले हैं इन कदमों संगत आना है और हाथों के नाल सेवा करनी है दूसरे के भले वास्ते सत्संगत जड़े हैं हाथ बदन दूसरे का सत्संगत बुरा करने वास्ते नहीं अगर रस्ते में रोड़े हैं कंडे हैं तो सत्संगत हाथ उन्होंने चुकन का काम कर किसी के रस्ते में कंडे खिलाने वास्ते नहीं सत्संगत गुरु की सिखलाई है कि दूसरा जिवें सत्संगत महापुरुष दस रहे सन कि जिहड़ी मोमबत्ती हुंदी है वह सत्संगत प्रकाश करती है आप सत्संगत तो जल्दी है लेकिन वो दूसरे का हनेरा दूर करती है दूसरे को चानण दे रही हुंदी है गुरमुख का जीवन भी इस तरह का हुंदा है सत्संगत तो दूसरे वास्ते जिंदगी जीता है वो दूसरे के भले की हमेशा कामना करता है सत्संग सतगुरु की सिखलाई यो है कि जीवन उ है जो दूसरे के काम आ जाए असी सत्संगत अपने अपना विचार करिए जब तो संगत में आए हाँ कि मेरे अंदर ऐसी तब्दीली है मैं दूसरे का भला सोचता हाँ मैं गुआढ़ियों की अरदास करती हाँ या करता हाँ कि सच्चे पातशाह इन्हों के घर जोड़ा ये काम नहीं हो रहा कृपा करो इन्हों का भी यह कारोबार ठीक हो जाए इन्हों के घर जो कले कलेश लड़ाई जो मैं कमियां देख रहा दाता दूर कर दे जब दूसरे का भला मंगागे सत्संग साडा अपने आप हो जाएगा सब दे भले अंदर अपना ही भला छुपया हुंदा है सतगुरु सत्संगत अजे ही सिखा रहे हैं पाँव से चल कर संगत आना कर से सेव कमाना है रसना से हर कीर्ति गाना ये रसना सत्संगत दूसरे के लिए अरदास मिली है दूसरे नूं चंगे शब्दों का इस्तेमाल करिए मिठा बोल बोल के ऐसी बाणी बोलीए आपा परका कोए औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए ऐसी बाणी होए सत्संगत के दूसरे नूं भी आनंद मिले सुनने वाले नूं भी और खुद नूं भी ठंडक महसूस होए हमें सत्संगत के ऐसे शब्द बोलीए तो दूसरा सत्संगत कह उठे कि कितने जाना यार तेनों की सिक्ख्या मिलती है तेनों वही दस्या है सत्संगत उस वेले साड़ी जिहड़ी गुरसिक्खी का लैवल जिहड़ा है डाउन हो जाएगा उस वेले भगती सत्संगत खत्म हो जाएगी असीं भगती नूं अगे लैके जाना है सतगुरु माता जी अज प्यार की गल कर रहे हैं किस प्यार नूं असीं अगे वधाना है तो प्यार नूं सत्संगत असीं तां अगे वधा सकांगे जेकर पहला साडे हिरदे च प्यार उपजेगा असीं घरां तों प्यार नूं शुरू करांगे मियाँ बीवी का आपस में प्यार होएगा बच्चों नाल प्यार होएगा फिर सत्संगत उस तों बाद आंढ गुआंढ भी साडा प्यार होए ते तां गल बणेगी तां ही साडा पिंड नाल होएगा महल्ले नाल होएगा साडे सत्संगत शहर नाल होएगा देश नाल होएगा सत्संगत अज सतगुरु सानूं प्यार सिखा रहे हन कि असीं प्यार करना है प्यार करन दा केवल जिक्र नहीं करना है प्यार करन दीआं केवल गल्लां बातां करन दे नाल गल नहीं बणेगी सत्संगत कोई खंड खंड का सिमरन करे तो वह खंड खंड कहने नाल मूँह मिठा नहीं होएगा जिमें खंड नूं प्रगट करना पेगा खंड का इस्तेमाल करना पेगा तो फिर मिठास उहदी लचक का आनंद का पता लगता है इस तरह ही सत्संगत केवल गल्लां बातां नाल अक्सर ही बाबा हरदेव सिंह जी कहते होंगे सन कि बातों से बने बात तो फिर बात क्या है गल्लां करन दे नाल नहीं बल्कि सानूं कर्म वास्ते अज सतगुरु माता जी प्रेरणा कर रहे हैं क्या असी गुरसिखा वाला कर्म करना है रसना से हर कीर्ति गाना आंख से दर्शन पाना है अख तरसती रवे हर वेले कि मैनू गुरमुखां दे दर्शन होण अख तरसती रवे कि मैनू फलां गुरसिख दे विच वी सतगुरु तेरा दीदार होवे हर गुरसिख सतगुर दी अखियां दा तारा है क्योंकि जे गुरु दी अखियां दा तारा हर गुरसिख है तो मेरी नज़र च क्यों फर्क है मैनू क्यों उहदे गुणा नज़र आ रहे हैं कहते तेनी सोच में पाड़ा पै गया तेनू तेरा होना माड़ा पै गया कि जिथे
जब हम होते तब तू नहीं जिते मैं हुंदी है, जिते खुद अपने आप नूं श्रेष्ठ दूसरे नूं तुच्छ मन्निया जा रहा है। सतसंग तो उत्थे निरंकार नहीं हुंदा है। कहिंदे तेरी सोच विच पाड़ा पै गया, तेनू तेरा होना माड़ा पै गया। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही तू मैं नहीं। ते जिथे मैं दा माण खत्म हो जाता है, जिथे केवल ते केवल असी गुरसिख बन के, जिथे केवल ते केवल असी सिखण दे भाव दे नाल सतसंग जिंदगी जींदे चले जाते हाँ, उत्थे फिर आनंद ही आनंद होता है, उत्थे फिर आनंद ही आनंद होता है। इत्थे भी सतसंग सानू एक एक इस जो शरीर के अंग हैं उन्हों की वैल्यू समझा के, तो सतसंग जिहड़ा इन्हां दा सदउपयोग करता है, संगत वाले पासे सेवा वाले पासे इन्हू लगा रहा है, ये सारिया फैकल्टियां ज्ञान इंद्रियां जिहड़ियां इन्हां दा सही ढंग नाल इस्तेमाल कर रहा है, तो सतसंग तो फिर उहदा फल की है। सतसंग तो कल भी महापुरशां ने विचार दे विच दस्या, महात्मा रवि महाजन जी कह रहे सन कि जिवें सतसंग तो भैणां ने ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਧਾਰਾ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਸੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ? ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਸੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨੋਂ ਪਰ ਹਰ ਦਮ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਬਣੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਹੜ ਵਰਗਾ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲਗਨ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਹੜ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਜਹਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੁੱਖ ਉਹ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਹੋ ਰਾਜੀ ਜਗ ਸਾਰਾ ਜਸ ਗਾਵੇਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਨ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤਿੰਨੋਂ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਹੋ ਰਾਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਜਸ਼ ਗਾਏਗਾ, ਜਗ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਹਾਨ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਸਮਤ ਦਿਓ, ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਅਟਕਣ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਤਸੰਗ ਅਤੇ ਬਾਣੀਆਂ,
मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास। जिहड़ा मन नूं गुरु दे समर्पित कर दिंदा उहदे कारज रास हो जांदे हन। और अवतार बाणी विच वी कहा है मन अपने भेट चढ़ाना इस तो वध कुरबानी नहीं। यह बड़ी वड्डी कुरबानी है अपने मन नूं गुरु दे अगे समर्पित कर दी। ओ सत संगत रहमत करो सच्चे पातशाह कृपा करे कि यह अज जिहड़े महापुरशां ने संगत दा आयोजन किया है जिस भावना के नाल सत संगत संगत कराई है आप महापुरशां ने चरण पूजे हैं सत संगत आशीर्वाद दो आप जी सत संगत अंतरयामी हो जो भी कमियां हैं आप जी ने कमियां दूर करनिया इन्हां महापुरशां नूं गुरसिखी जीवन तन दे सुख मन दे सुख धन दे सुख और जो भी सत संगत इत्थे कमियां हैं आप जी ने दूर करनिया हैं परिवार दे विच प्यार होवे सत संगत एक दूसरे का कहना चलते हुए महापुरश गुरसिखी के रास्ते नूं अपनाउंदे चले जाण। और जिवें कहा भी है एक ने कही दूजे ने मानी कहो नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। इस तरह का सत्संग साडे परिवारों के प्रेम बन जाए इस तरह का साडा सुभाव बन जाए एक दूसरे की गल नूं मनदे चले जाइए दूसरे नूं मनाउण वाले नहीं मनण वाले बन जाइए ऐसी साडी अवस्था बन जाए। उस सत्संग जो भी कमियां हन आप जी ने दूर करनियां सरबंध सुख देने दास भी सत्संग आप जी कोलों सीखण वास्ते ये गुण लैण वास्ते आया है। तो रहमत करो सत्संग दास की झोली में भी ये गुरसिखी वाले जोड़े गुण हैं ये पा दौ तो सत्संग से जो सेवावान आप जी ने बख्शिया हैं सत्संग इस निभा की शक्ति भी दौ कि आप जी के मार्ग से इस तरह सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाइए। और सारे लिए अरदास सतगुरु माता जी के चरणों में कि सच्चे पातशाह जिन्हें भी गुरसिख महापुरश आप जी के संगत में आ रहे हैं जिहड़ियां भावनावां लैके आ रहे हैं जिहड़े भी सत संग ते महापुरश दीआं डिमांडां हन आपने सारियां पूरियां करनियां हन। और जिहड़ी मंग सत संग सतगुरु माता राज माता जी ने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के चरणों च रखी और सत संग तो ही अरदास सारे फिर दोहराइए कि सुख सारे दुनिया के पा दो सब की झोली में ते फिर भी मलाई रखो संतां दी झोली में। गुरु प्यारी साहब संगत जी बड़े प्यार से बोलिए।